बड़ी खबर आपको बता दें लखीमपुर खीरी से, जहां मंदिर के महंत को बाघ ने बनाया अपना निवाला। यहां लखीमपुर खीरी में दुधवा टाइगर के जंगलों से निकले एक बाघ ने रामजानकी मंदिर के महंत मोहनदास को अपना निवाला बना लिया। बताते चले कि महंत की मौत की खबर की सूचना पाकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखने को मिला, जहां आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर जाम कर दिया। उनका कहना है कि यह बाघ इंसानों का दुश्मन हो चुका है और अब तक 18 लोगों पर हमला कर चुका है। लखीमपुर खीरी स्थित तिकुनिया कोतवाली क्षेत्र के खरेटिया गांव में रामजानकी मंदिर के महंत को शुक्रवार रात को एक बाघ ने अपना निवाला बना लिया। बता दें कि प्राप्त जानकारी के मुताबिक महंत मोहनदास पानी पीने के लिए मंदिर परिसर में ही लगे नल पर गए थे, जहां दुधवा टाइगर के जंगल से निकले बाघ ने उन पर हमला किया। बाघ महंत को खींचकर दूर एक खेत में ले गया, जहां अधखाई अवस्था में लाश छोड़कर वापस जंगल में भाग गया। इंसाफ क्या 5-10 लाख ये इंसाफ नहीं है। अपने शेर को हिसाब से रखें, चाहे जहां मर्जी रखें, बस यही कहना चाहता हूं। तो आप लोगों ने चक्का जाम किया है? हाँ जी, क्यों चक्का जाम हमने इसलिए किया, अभी हम ये कह रहे हैं कि हम आपको पूरा अनुशासन दिलाते हैं कि हम इसकी कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई क्या 5 लाख से आपकी हमारी जान वापस आ जाएगी, हमारा पुजारी वापस आ जाएगा? आप धर्म पे नाम पे वोट मांगते हैं कि हम जय श्री राम बोलते हैं, जय श्री राम का मंदिर है, उसका पुजारी चला गया, इससे बड़ा क्या चलोगे आप? अयोध्या मंदिर में आके क्या करोगे जब वहाँ के पुजारी ही नहीं रहेंगे? क्या वन विभाग की कार्यशैली से आप संतुष्ट नहीं हैं? नहीं संतुष्ट है, इसलिए आप लोगों ने चक्का जाम, इसलिए हमें चक्का जाम किया। हम तब तक नहीं इसको यहाँ बॉडी उठाएंगे जब तक हमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, हाँ ये कार्रवाई होगी या ये कार्रवाई होगी। आप हमें ये लिख के दे दें कि अगर हमारी रजिस्ट्री की ज़मीनें हैं ये सब इधर, अगर हमें हमारे खेतों में शेर पहुंच गया, अगर हमारे ऊपर अटैक किया, हम उसकी जान ले लेंगे, इतना हम कहते हैं। इतनी ज़्यादा दहशत है यहाँ पर कि लोग इतने डरे हुए हैं कि कोई खेती करने के लिए तैयार नहीं है, लेबर हमारे यहाँ आती नहीं है, बड़ी मुश्किल से मान मना के लेबर को लेके आते हैं। और अभी पीछे गन्ने के सीजन में हमारे खुद लेबर वाले को शेर पड़ गया था, इन्होंने कहा हम मुआवजा देंगे, हमने उसका इलाज भी कराया, सारी कागजी कार्रवाई करवाई, लेकिन उस लड़के को कोई मुआवजा नहीं मिला है। और क्या नाम है, वो लड़का जो है बेचारा यहाँ गांव का रहने वाला था, और अब कोई आके तैयार ही नहीं है काम करने के लिए, इसलिए खेती करना बहुत मुश्किल हो गया। नरेगा वाले आदमी एक बार हमारे प्रधान जी ने लगा के करवाए, आज भी नरेगा वाले लगे, नरेगा से होगा, हो जाए करवा दें, सफाई चल रही है, सफाई चल रही है, लोग डाल नहीं काट रहे भाई। इसके बाद हमने अभी साहब से बात की है, 15 दिन के अंदर इसको पकड़ लिया जाएगा, कल से इस पे काम शुरू हो जाएगा। तो 15 दिन के अंदर अगर इसने कोई ना कोई दूसरा कांड कर दिया तो फिर क्या होगा? हम लोग रहेंगे यहाँ पे, हमारी टीम ही नहीं जाएगी, मैं ही नहीं जाऊंगा यहाँ से, और बताइए। नहीं तो फिर 15 दिन दोबारा चालू हो जाएंगे? नहीं, जब तक पकड़ा नहीं जाता है तब तक, तो 15-15 दिन आप रहते रहेंगे। अगर आपने शेर पालने, हाथी पालने, जो मर्जी पाले, ये लोगों को जमीन का पैसा दे दीजिए, ये लोग कहीं आते चले जाएंगे, आप लोग शेर पालिए, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। आप ये चीज निकलने के लिए रास्ता कर दो बंद। आप किस रास्ते से आए हैं? आप किस रास्ते से आए आप बताइए? नहीं आप रोड पे आए ना? सभी लोग रोड, नहीं नहीं रोड पे आए ना? रोड किसके अंडर में? इरिगेशन डिपार्टमेंट में है ना, रोड इरिगेशन डिपार्टमेंट का। तो आप लोग रोड पे चलते, आप लोग सर पे पैर रख के तो चलते नहीं, तो आप लोग रोड बनने क्यों नहीं देते? आप उसको सफाई क्यों नहीं करने देते? रोड को कौन मना कर रहा है? अरे मेरे भाई, कहाँ करने देते हैं यार सफाई? रोड पे कोई तो रात दो हमको बता दी। अगर जंगल जंगल की रोड है, वहाँ के अलावा इस रोड पे कोई भी सार्वजनिक रोड है, कहीं कोई नहीं मना। लखीमपुर खीरी से अशोक शुक्ला की रिपोर्ट, R9 भारत।